जिम्नोस्पर्म्स के बारे में मैं आपको बता रही थी। फेनेरोगैम्स जिम्नोस्पर्म्स जस्ट तभी समझ में आएंगे जब आपको ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एल्गी क्लियर है। मैं नहीं कह रही कि टिप्स पे लर्न है, समझ आ गया, अगली बार उसको पढ़ोगे वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नो का मतलब है जिम्नो, नेकेड, स्पर्म का मतलब है सीड्स। तो इसके नाम में ही इसका मेन वो छुपा हुआ है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि हम जब आगे आगे जब पढ़ेंगे, हर क्लास भी 12th में भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ोगे, फ्लावर के अंदर भी एक ओवरी होती है, ओवरी के अंदर बनते हैं ओव्यूल्स, एग्स। जैसे ह्यूमन फीमेल्स में ओवरीज होती है, दो ओवरीज होती है, हमारी ओवरीज में क्या बनते हैं, एग्स। ऐसे ही फ्लावर में ओवरी होती है, ओवरी में क्या बनते हैं, ओव्यूल। ये जो हम फ्रूट खाते हैं, अमरूद खाते हो, ऑरेंज खा रहे हो, कोई भी फल खा रहे हो, वो उस फ्लावर की फ्यूचर वो ओवरी ही है। ओवरी ही फर्दर मेच्योर होके क्या बनाती है, फ्रूट, और ओव्यूल मेच्योर होके क्या बनाता है, सीड। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर आप नींबू खा रहे हो, नींबू का जो सीड आप देखते हो, इसका मतलब वो नींबू के फूल का ओव्यूल है, जो नींबू खुद है वो ओवरी है। जब क्लासेस लगेंगी मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगी कि कोई भी फ्लावर लेकर, फ्रूट वाला फ्लावर लेकर जब आप उसका डाइसेक्शन करते हो, ओपन अप करते हो, उसकी ओवरी देखना, नींबू के फूल की ओवरी देखना, निकाल कर हूबहू नींबू की जैसी दिखाई देती है, बहुत टाइनी होती है, बहुत छोटी, वही बड़ी होके पूरा का पूरा क्या बन जाती है, फ्रूट। हमेशा ध्यान रखना फ्रूट क्या होता है, ओवरी, ओव्यूल क्या बनता है, सीड। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में पहली बात फ्रूट्स नहीं होते, सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट्स आते हैं, श्रब्स, श्रब्स आ जाती है। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियां, छोटी हाइट वाले प्लांट्स, ये थोड़े से होते हैं। उसके बाद मीडियम टू लार्ज साइज ट्रीज, बहुत मीडियम से लेके बड़े साइज वाले ट्रीज आते हैं, रेड वुड ट्री। ठीक है, जिसको आज तक का सिकोशिया जिजेंटिटा या गिगेंटा बोलते हैं, जिसको ये साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन किया हुआ है, अलग अलग ये जीनस है, ये स्पीशीज है, रेड वुड ट्रीज को बोलते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ट्री। ये किसमें आता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। जब आप कभी शिमला साइड को, सॉली साइड, हिली एरिया में घूमने जाओ, तो वहां देखना ऐसे कोन शेप में बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, ग्रीन ग्रीन, देवदार का के वृक्ष होंगे, ये रेड वुड ट्रीज, ऐसे बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, कॉनिकल शेप में होंगे, पाइन का ट्री होता है, लकड़ी की जैसे फूल गिरे हुए होते हैं, साइकस का होगा, ये सारे कहाँ मिलते हैं, उस एरिया में। इनका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, इसीलिए ये इतने ऊंची ऊंची हाइट तक ग्रो कर जाते हैं, लार्जेस्ट ट्री जिसको बोला जाता है। देवदार, पाइनस, साइकस, ये जो हिली एरियाज में बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। ये जो रेड वुड ट्री है ना, जिसे लार्जेस्ट ट्री कहते हैं, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है, जैसे मान लो ये सॉइल है, ऐसे लंबी सी मोटी सी रूट होगी, मेन रूट होती है, इसके साइड पे ब्रांचेस निकली हुई होती है बहुत सारी, दिस इज नोन एज द टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम में क्या होगा, एक सेंटर में लंबी रूट होती है और साइड में उसके ब्रांचेस निकली होंगी। पाइनस ट्री के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलता है, ये बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर रूट्स जो होती हैं कई प्लांट्स में फंगस के साथ एसोसिएशन बनाती है, रीजन क्या है मैं बताती हूँ इसके बारे में। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर रूट्स जो होती हैं फंगस के साथ एसोसिएशन बनाती हैं, दिस इज नोन एज माइकोराइजल एसोसिएशन। देखो ये रूट है, कई बार जिम्नोस्पर्म से कुछ प्लांट्स के अंदर जो रूट्स हैं इस तरह से, ये एक रूट है, ये इसके क्या है, रूट हेयर। ठीक है, फंगस के साथ ये एसोसिएशन बनाते हैं, क्या होगा, इस रूट हेयर के ऊपर फंगस एक लंबी सी कोटिंग कर देती है। फंगस के हाइफा पढ़ चुके हो, माइसीलियम पढ़ चुके हो, इस तरह से ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रही है, दिस इज द फंगस। ठीक है, ये एसोसिएशन बन गया, किसका एसोसिएशन है, ये रूट प्लस फंगस का। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंगस को। इस एसोसिएशन को बोलते हैं माइको राइजल एसोसिएशन। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो ये ग्रीन 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 चीज जगह देखो, कि जब तो एसोसिएशन नहीं था
इनकी रूट्स बहुत छोटी होती है, मतलब ये रूट्स जो हैं सिर्फ इतने एरिया तक पहुंच सकती थी, है ना, जितने ये रूट हेयर थे सिर्फ इतने एरिया को कवर करती थी ये, तो न्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस सिर्फ इतने एरिया से अब्सॉर्ब कर सकती थी, लेकिन ये हिली एरियाज में रहते हैं, ठीक है, अब इनको वाटर की कमी होने का चांस रहेगा, वहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, मेनली इनको फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। फंगस क्या मदद करती है, जैसे ही फंगस का एसोसिएशन इन्होंने लिया, अब इनका एरिया बढ़ गया, अब ये फंगस यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर पाएगी और इसको लाकर दे देगी, समझ में आ रहा है, वो रूट जो सिर्फ इतने एरिया से न्यूट्रिएंट ले पा रही थी, फंगस ने उसका एरिया बढ़ा दिया, एक्सटेंशन का काम किया, ठीक है, और एक्सटेंशन करने से उसका एरिया बढ़ गया, वो दूर दूर से भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी, मेनली किसको, फॉस्फोरस को, ठीक है, तो और इन रिटर्न रूट उसको क्या देगी, रूट उसको रहने के लिए जगह देती है, शेल्टर देती है, फंगस उसको प्रोटेक्शन देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, ठीक है। और एक और फायदा ये होगा कि रूट पे कोई भी पैथोजन अटैक नहीं करेगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि फंगस ने उसके ऊपर एक कवच बना के रखा है। इस तरीके से ये एसोसिएशन देखने को मिलता है पाइनस के अंदर, साइकस के अंदर भी एक एसोसिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, रूट के पास साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, इसको बोलते हैं, पूजा अब आ रही है साउंड, आवाज आ रही है पूजा, जैसे पाइनस के अंदर मैंने अभी ड्रॉ करके आपको दिखाया था एसोसिएशन होता है, इसी तरीके से साइकस, ये दोनों जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं, पाइनस ट्री साइकस ट्री, मैं उसकी इमेज दिखा दूंगी आपको, इसकी रूट्स में बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, इसकी रूट्स में फंगस का एसोसिएशन था। आपको ये तीन सी याद करने हैं, सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर कोरोलॉइड रूट, समझ में आया, साइकस के प्लांट की रूट के अंदर बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन होता है, इस रूट को क्या कहते हैं, कोरोलॉइड रूट। इस तरीके से जैसे ये बना के देखा आपने, एक एसोसिएशन ये वाला था, ये तो था रूट और फंगस का, साइकस में क्या होगा, ये रूट है, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ना नोड्स दिखाई देती है, गांठे सी दिखाई देती है, ये रिप्रेजेंट करता है, एरिया नहीं बढ़ा हुआ, वहीं पे ही बैक्टीरिया रहता है, रूट प्लस साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इस एसोसिएशन को कहते हैं कोरोलॉइड रूट। आपको तीन सी याद रखने, सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर कोरोलॉइड रूट। ये किस लिए हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इनके जिम्नोस्पर्म्स में ये खासियत है, अलग अलग तरीके के एसोसिएशन देखने को, आपको मेन मेन फीचर्स पढ़ने हैं, जिम्नोस्पर्म में क्या क्या होंगे, सीड नेकेड होते हैं, फ्रूट्स नहीं बनते, लार्जेस्ट ट्री बीसी में आता है, साइकस पाइनस देवदार, जो हिली एरियाज में बड़े बड़े वृक्ष देखते हो आप कॉनिकल शेप के, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, पाइनस में फंगस के साथ एसोसिएशन है, साइकस में साइनोबैक्टीरिया के साथ, कॉनिफर ट्रीज जो होते हैं इनके निडल शेप लीव्स होते हैं, क्यों होते हैं मैं अभी बताऊंगी, स्टेम इनमें दो तरह की देखने को मिलती है, जिम्नोस्पर्म्स में हो सकता है स्टेम ब्रांच्ड हो, इस तरीके से ब्रांचिंग हो सकता है अनब्रांच्ड हो, ब्रांच स्टेम का एग्जांपल है पाइनस सेड्रस और अनब्रांच्ड का एग्जांपल है साइकस, ठीक है। माइकोराइजल एसोसिएशन मैंने अभी आपको बना के दिखाई, कोरोलॉइड रूट ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। कॉनिफर्स के पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, आपने जरूर देखा होगा हिली एरियाज में जो वृक्ष होते हैं उनके कॉनिकल लीव्स होते हैं, मतलब उनके जो लीव्स होंगे इस तरह से तीखे तीखे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे और तीखे, कॉनिकल क्यों होते हैं, क्योंकि देखो वहां पर पानी की कमी होती है, तो ऑलरेडी इनको वाटर स्टोर करके रखना होता है, अगर लीफ ऐसा हो सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर लीफ ऐसा है तो सरफेस एरिया कम है, ठीक है। ये देखो अगर कोई लीफ ऐसा है तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लार्ज, अगर कोई लीफ ऐसा है तो इसका सरफेस एरिया क्या है, स्मॉल। अब फायदा क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वाटर लॉस भी ज्यादा होगी,
ये एरो ज्यादा को इंडिकेट करते हैं. सरफेस एरिया स्मॉल होगा तो ट्रांसपीरेशन और यू कैन से इवेपोरेशन भी लेस होगी, तो वाटर का जो लॉस है वो भी लेस होगा. इन्हीं दोनों चीजों को करने के लिए इनके जो लीव्स होते हैं वो कॉनिकल होते हैं. एवरीथिंग इज रिटन इन दीज नोट्स. इनके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है, थिक लेयर होती है, सनबर्न स्टोमेटा होता है, मतलब हर तरीके से अडेप्टेशन होती है कि वाटर लॉस कम से कम हो. ठीक है, अब यहाँ से बड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टफ पोर्शन स्टार्ट होता है. इससे पहले तो इनके जनरल फीचर्स थे, मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी, क्लियर हो जाएगा. ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं. हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोरस मतलब स्पोर्स. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्पोरस मतलब स्पोर्स. दो तरह के स्पोर्स बनते हैं इनके अंदर. ठीक है, एक होते हैं माइक्रोस्पोर्स. माइक्रो वर्ड जहां आएगा मतलब छोटा, एक होता है मैक्रो मतलब बड़ा. तो माइक्रोस्पोर हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मैक्रोस्पोर हमेशा क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट. समझ में आया? माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट. मैक्रोस्पोर क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट. एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्लियर हो गई? एक एक चीज को याद करो, समझो, सुनो इसको अच्छे से, तभी ये पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हो. इसकी जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो हम इसको मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, आप भी ऐसे पॉइंट वाइज याद रखना. सबसे पहले क्या होता है, स्पोर्स. स्पोर्स जो अरेंज होते हैं वो कॉर्न्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिनको कहते हैं स्ट्रॉबिलाई. इस तरीके से इन पौधों के अंदर ऐसे कॉर्न्स बने होते हैं. मैं आपको पूरा का पूरा एनिमेशन दिखाऊंगी, क्लियर हो जाएगा. स्पोर्स जो होते हैं दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्न्स. ठीक है, उनको या तो आप कॉर्न कहोगे या क्या कहोगे, स्ट्रॉबिलाई. आपको पता है स्ट्रॉबिलाई क्या होता है? ये स्पोरेंजिया है. स्पोरेंजिया के बाहर जो लीव होते हैं वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज नोन एज द स्ट्रॉबिलाई. दो तरह के कॉर्न होंगे, मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न. ठीक है, मेल कॉर्न के पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया. फीमेल कॉर्न के पास क्या होगा, मेगास्पोरोफिल एंड मेगास्पोरेंजिया. मेगा मतलब बड़ा. आपको क्या ध्यान रखना है, हम इस तरीके से इसका रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि दो तरह के कॉर्न्स इनमें पाए जाते हैं. ठीक है, इन दोनों को क्या कहा गया है, स्पोरेंजिया. ये मान लो मेल है, ये मान लो फीमेल. तो मेल को नाम देंगे हम माइक्रो स्पोरेंजिया, फीमेल को नाम देंगे हम मेगा स्पोरेंजिया. क्लियर हो गया? बाहर जो लीफ प्रेजेंट होते हैं, सिल्स, सिल्स मतलब लीफ, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरोफिल. इसको क्या बोलोगे यहाँ पे, मेगा स्पोरोफिल. ये मेल कौन है, ये फीमेल कौन है, इस तरीके से याद करना है. इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स. इसमें भी क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स. लेकिन ये स्पोर्स कौन से हैं, ये माइक्रो वाले हैं क्योंकि ये मेल के है ना. और ये स्पोर्स कौन से हैं, मेगा स्पोर्स या मैक्रो स्पोर्स, कुछ भी कह सकते हो. ये बड़े साइज के हैं, ये कौन से हैं, फीमेल वाले. इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है. मैं शायद इंटरनेट इश्यूज है इसीलिए आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अब आ रही है क्लियर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम. माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ये तीन पॉइंट्स क्लियर हो गए. कॉर्न्स होते हैं, कॉर्न्स में स्पोर्स होते हैं, मेल कौन अलग है, फीमेल कौन अलग है. बाहर जो पत्ते हैं, नाम से ध्यान रखो ना, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया के बाहर जो लीफ है दैट इज स्पोरोफिल. अगर वो मेल के बाहर है तो मैंने माइक्रो वर्ड आगे लगा दिया, फीमेल के बाहर है तो माइक्रो मेगा वर्ड आगे लगा दिया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल एंड मेल कॉर्न्स आर फाउंड इन द सेम प्लांट. अगर वो एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल. मतलब एक ही वृक्ष है, उसमें मेल कॉर्न भी है, फीमेल कॉर्न भी है, उसको क्या कहोगे, बाइसेक्सुअल. एग्जाम्पल है पाइनस. अगर एक पे एक ही है, मतलब मेल वाले अलग है, फीमेल वाले अलग है, तो उसको क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल. इसका एग्जाम्पल है साइकस. फिर सिक्स पॉइंट है कि जो मेल स्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया,
इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, इनको क्या नाम दिया है, माइक्रो स्पोर्स का। मैंने अभी आपको बना के दिखाया था डायग्राम, ये वही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, इससे पहले हम पॉलन ग्रेन सीड्स की बात नहीं करते थे, लेकिन अभी हम सीड्स की बात करेंगे। ये है स्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। इन स्पोर्स को क्या नाम दिया है, माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, बाहर जो पत्ते हैं माइक्रोस्पोरोफिल है। तो ये कह रहा है कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं अंदर, दे गेट कन्वर्टेड इंटू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। कौन सी प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, डिवीजन होती है, मैं सेल डिवीजन में आपको कराऊंगी। ये पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट, इसी के अंदर मेल का गैमीट प्रेजेंट होगा। जैसे हम ह्यूमंस में स्पॉन्स बनते हैं मेल के अंदर, गैमीट्स, प्लांट्स में क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स। इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट, और ये पॉलन ग्रेन खुद क्या है, मेल गैमेटोफाइट। अब तक आपने जो पढ़ा था ब्रायोटेरियोफाइट्स, उसमें गैमेटोफाइट अलग से दिखाई देता था, बट ये इतना टाइनी होता है, इतना छोटा होता है कि अलग से दिखाई नहीं देता। सिंपल सा समझो, ये मेल कौन है, मेल कोन के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर किसमें कन्वर्ट हो गए, पॉलन ग्रेन के अंदर। ये सब कुछ अंदर ही हो रहा है इसके। पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। मैं 2 मिनट में आपको एनिमेशन दिखाऊंगी, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। उसके बाद आता है फीमेल कोन। फीमेल कोन में क्या है, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में एग प्रेजेंट होता है, और ये दिख रहा है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, इस मास ऑफ सेल को कहते हैं न्यू सेलर सेल। ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यू सेलर सेल मतलब ये, ठीक है। इसके अंदर एक एग है, एग के बाहर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। दिस, ये फीमेल वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मेल वाले से, न्यू सेलर सेल्स। इनमें से कुछ न्यू सेलर सेल्स कन्वर्ट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, MMC के अंदर, और ये कन्वर्ट करती है मियोसिस के थ्रू मेगास्पोर्स के अंदर। मेगास्पोर्स क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये देखो, ये सिंपल था, मैं आपको एक एनिमेशन दिखाती हूँ इसमें एक बार। इतना समझो एनिमेशन के थ्रू, इसके बाद में दूसरा दिखाऊंगी आप। मैं वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाई थी, डायरेक्टली मुझे यूट्यूब से दिखाना है आपको। ये वीडियो दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, रिप्लाई करो जल्दी। स्क्रीन दिख रही है, ये वीडियो प्ले कर दूं? मैं एक बार यहीं से आपको समझाती हूँ, चाहे आज 2 पेज समझो लेकिन वो क्लियर होनी चाहिए। ये देखो, अब ये इन्होंने एक कोन को दिखाया है, यहां से देखोगे तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सीड कोन, सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स ये समझा रहे हैं आपको।
ठीक है, हिली एरियाज में हिमाचल साइड जाओगे तो ऐसे ऐसे फूल गिरे हुए दिखाई देते हैं जिन्हें हम डेकोरेशन के लिए अभी लाते हैं। एक्चुअली वो क्या होते हैं, कोन्स होते हैं, मेल और फीमेल कोन्स। ये दिख रहा है फीमेल कोन, ये मेल कौन दिखाई दे रहे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम प्लांट में हो। अब ये पाइन ट्रीज की बात कर रहे हैं तो ये दोनों सेम में ही हो, ये मेल कौन फीमेल कौन सेम प्लांट के अंदर ही होंगे, पोजीशन का फर्क होता है। जो पौधा उगा हुआ दिखाई देता है, जो वृक्ष दिखाई देता है हमें, ठीक है, वो क्या है, स्पोरोफाइट। बस आप ये मान के चलो आप कि आप किसी हिली एरिया में गए, कोई बड़ा सा पाइन ट्री आपको दिखाई दे रहा है, बायोलॉजिकली मेडिकली आपने उसको एक नाम दे दिया स्पोरोफाइट। ये पौधा क्या है, स्पोरोफाइट। अब हमें ये देखना है कि इससे गेमिटोफाइट कैसे बनते हैं। अभी तक मैंने आपको यही समझाया था कि देखो मैं यही बता रही थी कि एक मेल कौन है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो बाहर पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या हो गई, मियोसिस। क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं बेटा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, माइक्रो, ठीक है। कोन के अंदर मियोसिस हुई और क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स। ये पूरा पौधा क्या है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ये डिप्लॉयड है। ये स्पोर्स मियोसिस से बनते हैं तो ये हैप्लॉयड होते हैं, फिर इनमें आगे डेवलपमेंट होती है तो ये क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इस तरीके से, ये तो बहुत जूम करके दिखा रहा है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये डस्ट के जैसे होते हैं, इतने छोटे। दिस इज